नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश हैं राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की, आगे बात करेंगे और हेडलाइंस न्यूज कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबरों की। पहले बड़ी खबर, प्रदेश में राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और अगले साल चुनाव भी होने जा रहे हैं, लेकिन नियुक्तियों पर सत्ता और संगठन ने सुपी छात रखी है। आपको बता दें कि हालात यह है कि अभी तक कांग्रेस की मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं कहा जा सकती, क्योंकि न तो यहाँ राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा हुआ है और न ही संगठन में नियुक्तियां पूरी हो सकी हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में चार दिन ठिठुरन से राहत नहीं, 10 शहरों में 5 डिग्री से नीचे गिरा पारा। वहीं माउंट आबू में -2 डिग्री पारा पहुंच गया है। राजस्थान में बीती रात 10 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया है। माउंट आबू में पारा -2 डिग्री चला गया है। सर्द हवाओं से ठिठुरन और गलन भरी ठंड बढ़ गई है। पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, करौली, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर जिले के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरू, बीकानेर जिले के कई हिस्सों में जबरदस्त कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही है। जयपुर में बर्फीले हवाओं का सितम जारी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक्टिव केस 60,000 के पार। जयपुर, अलवर, जोधपुर और उदयपुर से ही आ रहे हैं 50% से ज्यादा संक्रमित मरीज। राजस्थान में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 63,732 हो गई है। रविवार को 10,000 से नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है। जयपुर में 2, जालौर में 1, झालावाड़ में 1, राजसमंद में 1 और उदयपुर में 1 मौत रिकॉर्ड दर्ज की गई है। प्रदेश में जयपुर में सबसे ज्यादा 1871 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 1,026, जोधपुर में 909, उदयपुर में 737 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि सातराहों को धमकाने वाले अलवर कलेक्टर नत्रुमल पाड़िया नहीं बदले। सीएम के विशिष्ट सचिव राजन विशाल बने जयपुर कलेक्टर, 52 आईएएस अफसरों के तबादले। राजस्थान सरकार ने जयपुर और जोधपुर सहित 22 जिला कलेक्टरों को बदल दिया है। 52 आईएएस के तबादलों का आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किया है। सीएम अशोक गहलोत के विशिष्ट सचिव राजन विशाल का तबादला जयपुर कलेक्टर के पद पर कर दिया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का तबादला श्रम विभाग के कमिश्नर पद पर किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको देने की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आ रही है अलवर विमंदित बालिका केस की जांच को लेकर। केस की जांच सीबीआई को सौंपेगी गहलोत सरकार, जल्द भेजी जाएगी केंद्र को अनुशंसा। गहलोत सरकार ने अलवर विमंदित बालिका प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपे जाने का निर्णय ले लिया है। अब प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही केंद्र सरकार को इसके लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौत का मांझा उज्जैन में साइना डोर से युवती का खटका गला, देवास में पतंगबाजी ने ली युवक की जान। बड़ी खबर राजधानी जयपुर उज्जैन से है। साइना डोर ने 17 साल की युवती की जान ले ली है। इंदिरा नगर की फिंगर जारी विविति पाटीदार अस्पताल के पास 0 पॉइंट ब्रिज पर साइना डोर में उलझ गई है, जिसके बाद डोर से युवती का गला कट गया है। राहगीरों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक जान नहीं बच पाई। घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीते कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि यूपी पंजाब चुनाव ने राजस्थान के इन 3 जिलों में बढ़ाई टेंशन। यूपी पंजाब में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजस्थान में इन राज्यों से जुड़े 3 बॉर्डर जिलों में टेंशन बढ़ गई है। दरअसल प्रदेश में कोरोना के केस 8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 220% से अधिक बढ़े हैं। यूपी की सीमा से सटे भरतपुर में 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव 342 थे, लेकिन 13 जनवरी को बढ़कर 1642 हो गए हैं। इसी तरह धौलपुर में 8 जनवरी को 37 केस थे, लेकिन 13 जनवरी को बढ़कर ये 137 हो गए हैं। वहीं पंजाब सीमा से सटे श्री गंगानगर में 8 जनवरी को 91 केस थे, जो कि 13 जनवरी को बढ़कर 559 हो गए हैं। चिंता यह भी है कि इन 3 बॉर्डर जिलों में 35% को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आरपीएससी को लेकर है। आपको बता दें कि 1.5-2 साल में आ रहा है रिजल्ट, 5 भर्तियों में 45,000 प्रभावित। भर्तियों को पूरा करने में राजस्थान लोक सेवा आयोग का योग गड़बड़ाया, इधर बेरोजगार चिंतित। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस 2018 की परीक्षा की कॉपी दिखाने की प्रक्रिया जारी है। 2018 में हुई इस एग्जाम कॉपी 4 साल बाद जनवरी 2022 में दिखाई जा रही है। हालांकि ये भर्ती परीक्षा में न्यायालय में जाने से देर से हुई, लेकिन आरपीएससी की अन्य भर्ती परीक्षाओं में ज्यादातर देरी हो रही है। ये थी राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।